हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग दोस्तों। अभी दिसंबर आने वाला है, उसमें मैं अपनी एक नई छोटी सी वेब सीरीज लाने वाला हूँ। उसमें मैं आपको कुछ गार्डनिंग की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। भाई रुक, मुझे तो कुछ बोलने दे। और ये नई वेब सीरीज आ रही है विदान की, उसमें मैक्स टू मैक्स हम 3 एपिसोड्स रखेंगे और ये दिसंबर महीने में आने वाली सीरीज है। वो दिसंबर महीने में आने वाली है। इसमें नूब जी, मतलब मुझे इन्हें बिगनर कहना चाहिए, ये और मैं आपको कुछ गार्डनिंग की इन्फॉर्मेशन उसमें हम ऐसे आपको बताएंगे और हम आपको थोड़ा एंटरटेन करेंगे। विदान सब कुछ क्या तू इंट्रो में ही बता देगा क्या? चल ट्रेलर को शुरू कर। हाँ भाई हाँ करता हूँ। और चलिए बिना किसी देरी के हम ट्रेलर को शुरू करते हैं। हेलो विदान, आप तो नूब गार्डनर ना? सॉरी, मुझे आपको बिगनर गार्डनर कहना चाहिए। अरे भाई मैंने तो हिंदी में बोला ना, विदान माली। माली माली नहीं भाई, गार्डनर है वो। और अगर समझ वो हिंदी में। अच्छा एक बात बता, अगर किसी ने नया एक कुत्ता खरीदा है या फिर एक डॉग खरीदा है, तो फिर अगर वो रास्ते पे लेके जा रहा है कोई, तो अगर तू उसको ऐसे बोलेगा नाइस डॉग या फिर नाइस डॉग, या फिर कोई छोटा उसने पपी बाय किया होगा तो फिर उसको नाइस ऐसे बोलेगा, या फिर ऐसे डॉगी एक आधा शब्द ऐसे इंग्लिश में बोलेगा नाइस डॉग ऐसे, तो वो आदमी खुश हो जाएगा और उसे अच्छा भी लगेगा। वैसे ये गार्डनर का है कि अगर किसी को तू अगर हिंदी में ऐसे माली बोलेगा उसके बारे में अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर तू किसी को ऐसे गार्डनर कहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। एक बात बता, जो है हम कहते हैं ओवर फर्टिलाइजिंग, ओवर फर्टिलाइजिंग का अर्थ ये मतलब होता है कि ज्यादा प्लांट को ज्यादा फर्टिलाइजर डालना होता है, ना कि हमारा फर्टिलाइजर प्लांट है हमारा उसको, जैसे हम कह रहे हैं कि ओवर प्लांट, तो उसको ओवर प्लांट ही कहेंगे ना हम। ओवर फर्टिलाइजिंग जैसे कह रहे हैं हम, फर्टिलाइजर हमारा ज्यादा हुआ है प्लांट को। हाँ ओवर प्लांट को तो ओवर मतलब प्लांट हमारा मर गया वो ही कहेंगे, बस ओवर फर्टिलाइजिंग को हम कहेंगे कि हमारा फर्टिलाइजर खत्म हो गया। विदांग एक फैक्ट बताना। अच्छा एक फैक्ट बताओ तो तुझे। एक और एक फैक्ट मैं ट्री के ऊपर फैक्ट बताता हूँ। जो दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना पेड़ है वो कैलिफोर्निया में पाया जाता है और ये 5000 से भी ज्यादा साल का है। और जो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हम कह सकते हैं वो भी कैलिफोर्निया में ही पाया जाता है, जिसकी हाइट जो है वो 300 फीट से कुछ ज्यादा है, उसी के करीब है। एक और एक बताना प्लीज। चल भाई ठीक है। अच्छा और एक फैक्ट बताओ, टमाटर कुकुम्बर और जो हमारे सब्जियां रहते हैं कोई पम्पकिन वगैरह, उन्हें हम वेजिटेबल में नहीं गिनते, उन्हें हम फ्रूट्स में गिना जाता है। ये पहले से ही था पर अभी उन्होंने ऐसे वेजिटेबल्स में किया है, पर इसे अब हम वेजिटेबल्स में नहीं गिनते, टमाटो पम्पकिन और कुकुम्बर जैसे जो है उन्हें हम अपने फ्रूट्स में गिनते हैं। सब कुछ क्या मैं फैक्ट्स ट्रेलर में ही बता दूं तो हम एपिसोड्स में क्या कवर करेंगे? तो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा ट्रेलर? तो अगर ये आपको ट्रेलर अच्छा लगा होगा तो इस ट्रेलर को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। और अगर आप इस पे और ज्यादा एपिसोड्स देखना चाहते हैं, ये तो इसका ट्रेलर है, हम आगे इसके एपिसोड्स भी लेके आने वाले हैं, तो हमारा प्लानिंग है 3-4 हम एपिसोड्स लाएंगे। पर अगर और आप सपोर्ट करेंगे तो हम इस पे और एपिसोड्स बनाएंगे, और फिर आपके सपोर्टिंग पे है, अगर आप सपोर्ट अच्छा करेंगे तो हम एपिसोड ज्यादा बना पाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट पूछने होते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।